हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज के वीडियो में आप सीखेंगे यूजर आईडी बेस्ड टी कोड। तो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या पहले से ज्वाइन किए होते हैं तो आप एसएपी पे काम करते हैं तो कंपनी द्वारा आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है और उसमें आपके काम के अनुसार आपको ऑथराइजेशन दिया जाता है। तो आप कैसे समझेंगे कि हमारे यूजर आईडी में क्या क्या ट्रांजेक्शन कोड का ऑथराइजेशन है और क्या नहीं है, तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम स्क्रीन पे आ गए। देखिए, हम यूजर आईडी जो है टी कोड को दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, देखिए स्क्रीन पे यूजर आईडी टी कोड है, इसको हम डबल क्लिक करके आ सकते हैं। और दूसरा, टी कोड के थ्रू आते हैं, जो टी कोड है जेड यूजर अंडरस्कोर टी कोड। ये देखिए, हमने ट्रांजेक्शन कोड बॉक्स में ये डाल दिया है, इस पे इंटर करना है। अब हमने यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी देना है। जो आपके यूजर आईडी जो होगा आपको पता होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए, वो इम्प्लॉय जो जिसका यूजर आईडी है वो एक्टिव में है या इनएक्टिव में है, इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी दे दिया और बिना सेलेक्ट किए हुए एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, हमारे आईडी में जितने भी ट्रांजेक्शन कोड का ऑथराइजेशन है वो पूरे के पूरे हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एक्सेल में जो है एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट करने के लिए फिर हमें लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, फिर स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है या इंटर करना है। सेव जहाँ करना है, डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं, यस करना है, अलाउ दो बार करना है, अलाउ कर दिए। अब ये देखिए, हमारा एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट भी सारे कर सकते हैं। अब फिर बैक हो जाते हैं। एक यूजर आईडी है तो यहाँ पे हमने एक डाल के देख लिया, एक से अधिक है तो यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन करके जितने भी आईडी एक साथ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कोई भी यूजर आईडी में क्या क्या ऑथराइजेशन है, वो इम्प्लाई एक्टिव है कि नहीं आईडी का या इनएक्टिव है, वो सारे आप एक साथ में डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।